हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द यू सो यूकैरियोटिक सेल उसके स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म प्लस उसके जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसका सेटअप होता है उसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे विथ प्रॉपर सुटेबल एग्जाम्पल सो यू कैरियर्स मतलब कि ऐसे डेवलप हुए सेल कि जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है और ये सभी ऑर्गेनल्स का प्रॉपर एक फंक्शन होता है प्लस उसके पास होता है ये वेल डेवलप न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास होता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो हम डेवलप हुई बहुत सारी अदर ऑर्गेनल्स देखे तो उसके अंदर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर रिबोजोम्स प्रेजेंट है किए वाले रिबोजोम्स प्लस सेंटर में उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तो ये सभी ऑर्गेनल्स जो है वो किसी डेवलप सेल के अंदर प्रेजेंट होती है उसी को हम कहते हैं यू एंड उसके रिलेटेड जो सेल होते हैं उसको हम कहते हैं यू कैरियोटिक सेल तो इसी का हम डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विथ द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स फार्मरॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन इज नाउ अवेलेबल सो लर्न ऑनलाइन ऑन अवर एप फार्मरऑक्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड दस एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एप लाइफ एप स्टोर सो यू विल गेट द प्रॉपर टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड पी डी एफ एंड पीपीडीज ऑफ अवर लेक् ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन सो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर हमारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी विडियो लेक्चर एंड पीपीटी एंड पीडीएफ भी मिल जाएंगे प्लस स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल के ऑप्शन आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएंगे सो so अभी डाउनलोड करिए एप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट ऑन एपल आईफोन एप ऑन एप स्टोर लिंक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करिए गेट द लिंक्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो अब डिटेल में समझते हैं यू के बारे में तो यू आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैव ए न्यूक्लियस एनक्लोज विद इन ए न्यूक्लियर एनवेलॉब या फिर उसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे आप देख सकते हैं कि यू मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज़्म है कि जिसका न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियस एनक्लोज होता है न्यूक्लियर एनविलॉप के अंदर कि जिसको हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेल है यू का ये सेल के अंदर कंप्लीट सेंटर में है ये उसका न्यूक्ली nucle, न्यूक्लियोलस और उसके अंदर ये ये न्यूक्लियस मेन और ये न्यूक्लियस के आसपास ये वाली जो आप पूरी दीवार देख रहे हैं एक पूरा मेम्ब्रेन है कि उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो जब हमने प्रोकैरियोटिक्स के बारे में सीखा था प्रोकैरियोटिक सेल तो उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे ना ही इस तरह से कोई डेवलप हुआ न्यूक्लियस था ना ही उसके आसपास कोई न्यूक्लियर मैम्ब्रेन था जबकि Eukaryotes के अंदर प्रॉपर अच्छे से डेवलप किया हुआ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यू कैरियर्स बिलोंगिंग टू द डोमेन यू कैरियोटा और यू कारिया तो ये डोमेन्स आपको खास याद रखने की जो यू कैरियर्स होते हैं उनके जो डोमेन है ये है यू कारियो यू कैरियोटा और यू कारिया तो यू तो कॉमन है एक के पीछे कारिया और दूसरे के पीछे आपको याद रखना है कैरियोटा तो इसी पर से ये जो सेल है उसका नाम पड़ता है यू कैरियोटिक सेल यू कैरियोटा पर से यू टा की बजाय आई लगा देंगे आप और सी यू सेल जो हम कहेंगे और ये सेल ऐसे है कि जिसके अंदर प्रॉपर डेवलप हुआ न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है एंड उसके आसपास होता है प्रॉपर न्यूक्लियर मैमब्रेन आगे सीखते हैं डिटेल में इसी के बारे में देयर नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यू कि सबसे पहले ई यू यू मतलब क्या है वेल और गुड यू का मतलब होता है वेल और ग्लूड की जो एक ग्रीक टर्म है एंड कैरियोन की जो पीछे का ये है कि कैरियोटा करिया या फिर कैरियोट्स और कैरियोन तो उसका मतलब होता है नट और कर्नल मतलब कि ऐसे हम कह सकते हैं कि वेल और गुड डेवलप सेल ऐसा भी हम उसके लिए कह सकते हैं कि ऐसे सेल की जो अच्छे गुड एज वेल एज वेल डेवलप है कि जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस एनक्लोज होता है विद इन न्यूक्लियर एनवेलॉप तो यू आर ऑर्गेनिज्म सेल है न्यूक्लियस एनक्लोज विद इन ए न्यूक्लियर एनवेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल एनिमल्स ये एग्जाम्पल आप खास समझिए ऑल एनिमल्स प्लांट्स फंगाई एंड ह्यूमन एंड प्रोटिस्ट आर यू कैरियोटिक सेल तो यू कैरियोटिक सेल कौन सी कौन सी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है तो एनिमल के अंदर जो सेल है वो भी यू कैरियोटिक सेल है प्लांट के अंदर फंगाई के अंदर ह्यूम्स के अंदर एज वेल एज प्रोटिस्ट या फिर जो हम प्रोटिस्टा कहते हैं उसके अंदर भी जो सेल प्रेजेंट है वो है यू कैरियो इन टू कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर सच एस न्यूक्लियाई माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडीज के अलग अलग कंपार्टमेंट वाइज अलग अलग उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रीन कलर का जो दिखाया है वो उसका क्लोरोप्लास्ट है ये देख सके बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ये सेल के अंदर ब्लैक कलर ले लेते हैं हम इसलिए आपको और ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि ये वाले देखिए ये जितने भी ऑर्गेनल्स है इसको हम क्या कह सकते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट उसके बाद आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया है दिस वन कि अभी जो मैं यहाँ पे राउंड अप कर रहा हूँ वो माइटोकॉन्ड्रिया है तो बहुत सारी है वो भी यहाँ पे दो है फिर यहाँ एक है ये साइड पे एक है एंड ये वाली तो ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद साइटोप्लाज्म कि जो ऑर्गेनल्स के सिवाय का जितना भी पार्ट से कि जैसे हमने यू प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सीखा था कि ऑर्गेनल्स और न्यू और जो जीनेटिक मटेरियल है उसके सिवा जो भी फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है कि जिसके अंदर ये सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं साइटो प्लस ये पूरा साइटो का एरिया है कि जो पीछे का बैकग्राउंड जो हम उसको कह सकते हैं देन गोलगी तो ये वाला जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसको हम गोलगी कहते हैं फिर न्यूक्लियर के आसपास न्यूक्लियस के आसपास ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है फिर ये न्यूक्लियस का पोर्शन प्लस ये जितनी भी ये छोटी छोटी हम जैसे कि मस्टर्ड राई के जैसे दाने हो मस्टर्ड के दाने हो ऐसे दाने जैसा अंदर एक आपको दिख रहा है तो वो है सब रिबोजोम्स है फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है कि जो ब्लू इस कलर का दिखाया है ऐसा तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म के आसपास या साइटोप्लाज्म के आसपास ये वाला जो एक लेयर आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर कि जो लाइट ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा लाइट ब्लू कलर वाला तो लाइट ब्लू कलर वाला जो लेयर है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मैमब्रेन की जो साइटोप्लाज्म के आसपास है और उसके आसपास है ये रिजिड सेल वॉल जिसको हम क्या कह सकते हैं रिजिड सेल वॉल इस तरह से यूकैरियोट्स का जो सेल है वो तैयार होता है उसके अंदर प्रेजेंट ये अलग अलग ऑर्गेनल्स तो यूकैरियोट्स के आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है वो एनिमल सेल आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सेल है वो एनिमल सेल है कि ये जो एनिमल्स के लाइक एनिमल्स के अंदर है प्लांट्स के अंदर है फंगाई के अंदर ये यू सेल जो है वो प्रेजेंट होते कि जो अभी हमने डिस्क्राइब किया तो यू कैरियोटिक सेल आर ए सेल दैट कंटेंट ए न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होती है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स कि न्यूक्लियस तो है ही बट साथ में है ऑर्गनल्स एंड आर एनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो ही मेम्ब्रेन या फिर उसको दूसरे वर्ड में हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन। कि जो स्पेशली ट्रांसपोर्ट का, का काम करते हैं लिपिड बायलेयर का बना हुआ होता है वो भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं अलग अलग सभी ऑर्गेनल्स पे एक अलग से स्पेशलाइज लेक्चर बनाएंगे हम तो सबसे पहले यहाँ पे उसका मेन स्ट्रक्चर समझते हैं और उसके आगे जाके फंक्शंस देखेंगे और डायग्राम्स चेक करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव यू कैरियोटिक सेल्स इंक्लूड प्रोटोजोवा फंगाई प्लांट एनिमल्स एंड एन दीज ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप इन टू द बायोलॉजिकल डोमेन कॉले यू कैरियोटा और यू कैरियोटा डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये यू कैरियोटिक सेल तो ये है यू कैरियोटिक सेल और उनका डोमेन बन जाता है यू कैरियोटा तो ये एनिमल्स हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं तो सभी के अंदर ये वेल डेवलप सेल होता है कि वो भी यू कैरियोटिक सेल ही है तो आप दहा पे ये भी ये डायग्राम के भी हम स्टडी करते हैं तो आप देखिए तो उसके आसपास ये सबसे पहले जो एक आउटर लेयर जो हमें देखने को मिल रहा है सबसे बाहर का ये जो जैसे आप कोई रास्ते देखते हो रास्तों के ऊपर ये कंटिन्यूसली पूरा ये जो लाइन कवर हो रही है कि जो अभी हम ये ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे किसी शहर के आसपास अपना रिंग रोड होता है वैसा ही है कि किसी भी शहर के आसपास पूरा एक रास्ता जाता है कि जिसको हम रिंग रोड कहते हैं ऐसा ही एक पूरा रोड मैप जैसा पूरा एक लेयर है और उसको हम कहते हैं उसकी सेल वॉल कि जो प्रॉपर सेल को रिजिड स्ट्रक्चर सेफ वगैरह प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्शन का भी काम करता है तो दूसरे जो हम ऑर्गेनल्स देखे उसके अंदर तो सबसे अंदर आप देखिए ये है ये वाला न्यूक्लीओलस है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस के बाहर का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के आसपास होता है अपना खुद का एक मेम्ब्रेन कि जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके बाद आप देखो यह न्यूक्लियस के ही आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप की होती है एक तो रफ़ होती है कि जिसके ऊपर ये रिबोसोम्स जो है उसके ऊपर सेटअप होते हैं वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ ऐसी होती है कि कुछ स्मूथ भी होती है कि ये वाले देख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही ये है सेंट्रोजोम्स है माइक्रोट्यूबल है साइटोप्लाज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ये सेल के अंदर उसके बाद ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया ये जो देखने को मिलेंगे ये जो दो ऑर्गेनल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया रिबोजोम्स आप देख सकते हैं ये जो मस्टर्ड जैसे राई के दाने जैसा जो होता है स्ट्रक्चर वह है रिबोजोम फिर एनिमल सेल के अंदर ये पेरॉक्सीजोम प्रेजेंट होती है वैक्यूअल प्रेजेंट होती है कि जो काफ़ी छोटी साइज के अंदर है सिक्रेटरी वेसिकल्स है फिर ये लाइसोजोम है ये वाले माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेंट्रोजोम होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल फिर साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती वो ज़्यादातर हम प्लांट सेल के अंदर देखते हैं बट इसके आसपास भी ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और वो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो रही जितनी भी ऑर्गेनल्स से उसको प्रॉपर एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है कि जिसके कारण ये जो सेल है इसकी बाउंड्री जो तैयार होती है वो होती है ट्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पे तो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ़ एंड स्मूथ दो टाइप के ये वाले रफ़ कि जिसके ऊपर रिबोजोम्स से और कुछ ऐसी है कि जिसके ऊपर रिबोज़ोम नहीं लगे तो वो बन जाती है स्मूथ फिर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ये क्रोमेटिन न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाले जो स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं वो गोल्गी अपैरेटस एंड गोल्गी वेसिकल्स ऐसे ही अब देखें कि हमारा जो ह्यूमन सेल है तो सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ ए ट्रिलियंस ऑफ सेल और हमें पता है पूरा एक सीक्वेंस कि बहुत सारे सेल कंबाइन होके हमारे बॉडी के अंदर डिज़ाइन करते हैं टिश्यू ये बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होके डिज़ाइन करती है कोई ऑर्गन और ये बहुत सारे ऑर्गन कलेक्ट होके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारी तैयार होती है ह्यूमन बॉडी तो उसमें हमारा मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम कहते हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग तैयार हुई ह्यूमन बॉडी की तो उसके बिल्डिंग के ब्लॉक के अंदर हम देखें तो ये है सेल तो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे हमारा बॉडी के अंदर भी सेल ही है तो ह्यूमन सेल को आप देखोगे तो उसमें भी ये आपको दिखेगी ये वाली जो ऑर्गेनल्स कि स्ट्रक्चर आपको सेम ही दिखेंगे स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं होते जस्ट माइनर चेंजेस होते हैं कि गोलगिया पारेटस ऐसे ही दिखती है कि जैसे आपने आ, कोई एक सिक्का रखा है उसके ऊपर ये दूसरा सिक्का तीसरा कि जैसे थाइलेकोइड्स का स्ट्रक्चर होता है ऐसे इस तरह से और बीच में जो होता है वो ये थोड़ा लॉन्ग उसके ऊपर ये छोटे छोटे फिर नीचे भी ऐसे तो ये बन जाती है गोलगी रिबोजोम्स जैसे राय के दाने होते हैं ऐसे ही होते हैं चाहे वो कोई भी सेल हो लाइसोजोम भी इस तरह से होती है सर्कुलर फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको ऐसे ही दिखेंगे कि ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा होता है और इस तरह का जो कोई भी डायग्राम आप देखो तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है सेंटर में ये न्यूक्लियस उसके अंदर डीएनए फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ रफ होते हैं कुछ स्मूथ होते हैं फिर ये जो बाकी का जो बैकग्राउंड है पूरा वो उसका साइटोप्लाज्म और सेल के आसपास उसकी सेल मेम्ब्रेन तो दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स इन द एनर्जी एंड कैरी आउट द स्पेशलाइज फंक्शन की जो हमारा बॉडी के सेल है उसका फंक्शन है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कि हमारे बॉडी के जो सेल है उसी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शंस का काम होता है और उसी के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको तो हम कहते हैं पावर हाउस की इट इज ए पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी तो एनर्जी प्रोडक्शन्स का, का काम है कुछ ऑर्गेनल्स का कुछ ऑर्गेनल्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का कुछ ऑर्गेनल्स का, का काम है ये जीनेटिक मटेरियल को हैंडलिंग करना तो सभी ऑर्गेनल्स के अपने खुद के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं तो प्लांट एंड फंगल सेल हम देखें तो प्लांट सेल के अंदर आप देखो तो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कि जिसका फंक्शन होता है सेल के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवाना फिर एमाइलोप्लास्ट उसके अंदर होते हैं माइटोक्नड्रिया तो आपने यह पहचान ही ली वैक्यूल्स जो होती है वो आ, एनिमल सेल के कंपेयर में प्लांट सेल में काफ़ी बड़ी साइज की होती है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है ये वाले सेल वॉल उसके आसपास प्रेजेंट है सेल वॉल के जो यहाँ पे कलर से अच्छे से आपको दिखा है कि जो ग्रीन कलर वाला पोर्सन है वो है सेल वॉल फिर बीच में जो येलो कलर दिया है वो है सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन का ये बीच में येलो कलर उस लोगों ने इजीली दिया है फिर साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियोलस सेंटर में न्यूक्लियोलस के आसपास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है राउंड या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिबोजोम्स से पेरोक्सीजोम है वैक्यूल है एंड साइटोस्केलेटन भी उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये है फंगल सेल और प्लांट सेल काफी कॉमन है कुछ डिफरेंस हम देखे तो यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है और ऊपर की और बर्ड होती है और वेसिकल्स होते हैं लाइक वैक्यूल भी है साइटोप्लाज्म भी है माइटोकॉन्ड्रिया भी है सेल मेम्ब्रेन भी है सेल वॉल एंड न्यूक्लियस भी उसके अंदर ये टिपिकल आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड परफेक्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो ये वाला डायग्राम आप प्रिफर करेंगे फंगल सेल के लिए इन दिस वन फॉर द प्लांट सेल तो कौन सी ऑर्गेनल्स कॉमनली प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक uh, सेल्स के अंदर तो वो है सेल बॉल फिर सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रिबोजोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपारेटस क्लोरोप्लास्ट माइटोक्निया वेसिकल्स वैक्यूल लाइसोजोम एंड सेंट्रियल्स तो ये है पूरी लिस्ट कि जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है किसी भी यू सेल के अंदर तो सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले एक हम शॉर्ट इंफॉर्मेशन ले लेते ले हैं सभी ऑर्गेनल्स की तो माइटोक्ड्रिया तो सप्लाई एनर्जी टू द सेल की जिसके कारण उसको जो नाम दिया गया है वो है पावर हाउस उसको कौन सा नाम दिया गया है पावर हाउस कि पावर हाउस ऑफ द सेल इट इज ए माइटोकिया वैक्यूल यूज फॉर स्टोरेज वैक्यूल का काम क्या है स्टोरेज का काम है उसके बाद लाइसोजोम्स प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इन्वेडर्स एंड ब्रेक डाउन वर्न आउट सेल पार्ट्स कि जो इन्वेडर्स होते हैं उससे आपके जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है मतलब कि हार्मफुल जितने भी कोई अटैकर्स होते हैं उससे आपके सेल का प्रोटेक्शन का काम करती है ये लाइसोजोम्स फिर सेंट्रियल्स मेकअप सीलिया एंड फ्लेजेला हेल्प टू डिवाइड डी की जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसको जब डिवाइड होता होता है तो उस वक्त ये सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं देन सेल वॉल की जो रिजिड लेयर है सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं किसी भी टाइप की यू कैरियोटिक सेल में बट हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल के अंदर वो एब्सेंट होती है क्लोरोप्लास्ट की कन्वर्ट्स सनलाइट इंटू ग्लूकोज की ये मेन फ्यूचर है प्लांट सेल्स के अंदर प्लांट सेल्स जो है वो ये काम करते हैं फोटोसिंथेसिस जो उनको करना होता है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें पता है प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल कि क्लोरोफिल की जो इसका काम है एक पिगमेंट है कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट और जो ग्रीन कलर्स भी जो हमें देखने को मिलता है लिफ वगैरह का वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस क्लोरोफिल देन न्यूक्लियस स्टोर जीनेटिक इंफॉर्मेशन कि ये इतने से छोटे से सेल के अंदर जब जीनेटिक मटेरियल को स्टोर करनी है तो उसके लिए भी एक ये रचना दी हुई है वो है न्यूक्लियस फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिपिड एंड ब्रेक डाउन ड्रग एंड अल्कोहल्स तो ये भी उसका फंक्शन है ये सभी फंक्शन आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है मोस्ट आई एम पी की वॉट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इट प्रोड्यूस द प्रोटीन एंड लिपिड एंड ब्रेक डाउन द ड्रग एंड अल्कोहल देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिबोजोम्स टू लिंक अमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिबोजोम्स का होना जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म uh, में भी हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी रिबोजोम प्रेजेंट थे एज वेल एज वेल डेवलप यू कैरियोटिक सेल के अंदर भी ये रिबोजोम्स प्रेजेंट है उनका जो कॉमन फंक्शन है दोनों के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाना फिर गोल्गी अपारेटर्स का काम क्या है तो वो प्रोसेस करते हैं सॉर्टिंग करते हैं एंड डिलीवर्स द प्रोटीन तो ये काम है गोल्गी अपार्ट्स का एंड जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका काम है ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन अ सेल कि ये इतने भी छोटे से, से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये एक रचना दी गई है वो है वेसिकल्स कि जो मटेरियल को प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर करते हैं विद इन अ सेल ही है फिर वो भी विद इन अ सेल तो ये थी अलग अलग ऑर्गेनल्स उनके फंक्शन किसी भी यू कैरियोटिक सेल के अंदर फिर आगे जब आप डिटेल में डीप स्टडी करते हो तो कुछ ऑर्गेनल्स किसी में प्रेजेंट होती है किसी में एबसेंट होती है या फिर किसी के अंदर इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है किसी में लार्ज होता है कि जैसे वैक्यूल्स है तो जो हमने वैक्यूल्स देखे तो वैक्यूल्स की जो स्टोरेज के लिए है वो एनिमल सेल के अंदर हम देखें तो छोटी होती है जबकि प्लांट सेल के अंदर उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये है ऑर्गनल्स एंड देयर फंक्शन इन एनी टाइप ऑफ यू सेल तो ये सभी ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे पहले एक यूकैरियोटिक सेल के समरे देखते हैं रिगार्डिंग इट्स जीनेटिक मटेरियल तो दे आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक जीनोम कि ये वाला जो जीनोम है वो हैप्लॉइड होता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जबकि यूकैरियोट्स के अंदर इस तरह के लार्जर होते हैं जीनोम कंटेंट्स मल्टीपल लीनियर क्रोमोजोम्स मल्टीपल क्रोमोजोम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड डायफ्लॉइड होते हैं टू रिस्ट टू एन मतलब कि पैर में होते हैं जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स है तो ट्वेंटी थ्री इंटू टू इज इक्वल टू टोटल फोर्टी सिक्स बन जाते हैं और पैर में काउंट करें तो ट्वेंटी थ्री पैर होती है उनकी फिर डी एन ए हिस्टन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है दे आर कंडेंस इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो अभी हमने जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी ये लेक्चर के अंदर यह सभी के बारे में और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर कि जो अलग अलग यही टॉपिक के जो हम पार्ट्स बनाएंगे यू के ऊपर तो उसी के अलग अलग लेक्चर्स के अंदर हम कंटिन्यू रखेंगे यही टॉपिक को शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकॉन। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिए उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका नाम सेंड करिए सेंड योर नेम और सिटी नेम की जैसे कि आपका नाम है राहुल तो राहुल सिटी का नाम है आपका मुंबई बस इतना लिखो और व्हाट्सएप कर दो ये नंबर पे नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स पे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी सो बी अपडेटेड विद फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल प्रेस ऑन द बेल आइकॉन नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स लर्न ऑनलाइन थ्रू अवर मोबाइल एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन कोर्सेज फॉर दैट गेट दिस फार्मारॉक्स android app on google play as well as apple iphone app on app store links are available in a description box so good luck and all the best